हेलो गाइस, कैसे हो? मैं कंप्लीट कंप्यूटर एजुकेशन में रजत शर्मा आपको स्वागत करता हूं। आज हम आपको बताएंगे कि आपको फ्रेंचाइजर फॉर्म कैसे फिल करना है, कैसे रजिस्टर्ड करना है। लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को। cceDigital.com पे क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद ये आपके सामने आ जाएगा फ्रेंचाइजी फॉर्म। आप यहां से भी रजिस्टर कर सकते हो और यहां ऊपर से भी रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। देन सबसे पहले आ जाएगा नेम, रजत शर्मा। देन आ जाएगी ईमेल आईडी, देन आ जाएगा कॉन्टैक्ट नंबर, देन आ जाएगा एड्रेस, देन आ जाएगा पासवर्ड 7206239493। आपको पासवर्ड लगाते टाइम एक चीज का ध्यान रखना है, पासवर्ड कम से कम 8 नंबर का होना जरूरी है, नहीं तो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप नहीं होगा। देन हम करेंगे रजिस्टर नाउ पे क्लिक। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करने के बाद ये आपका एक डैशबोर्ड ये आपके नाम से यहाँ पे शो होने लग जाएगा। देन इसको आप इस पे चेक कर सकते हो कि आपके टोटल स्टूडेंट कितने हैं और कितनों की टोटल की इनकम आ गई है, और जैसे जैसे कोर्स आते रहेंगे आपका यहाँ पे यूट्यूब का डोमिनेशन कोर्स का रेफर कोड आते रहेंगे। जैसे पहले एडवांस डिजिटल मार्केटिंग का था, यूट्यूब डोमिनेशन कोर्स है वेबसाइट पे जो हमारा 16 तारीख को लॉन्च होगा। 450 रुपीज़ का ये कोर्स, ठीक है। देन हम रेफर लिंक पे कॉपी कर क्लिक करेंगे, देन ये रेफर लिंक आ जाएगा। आपको ऊपर से ये कॉपी करना पड़ेगा कंट्रोल से, नहीं तो अगर आप चाहते हो कि आप डायरेक्ट पेमेंट के ऑप्शन के पास सीधा फॉर्म फिलअप करो और पेमेंट पे लेके जाओ तो इनरोल पे क्लिक करो। इनरोल पे क्लिक करने के बाद आप डायरेक्ट यहाँ से इसको कॉपी करो लिंक को, ठीक है। आप यहाँ पे डायरेक्ट लिंक को ऊपर से कॉपी करो, देन वो लिंक आप क्लिक करके आप स्टूडेंट को आगे या अपना किसी भी व्हाट्सएप पे स्टेटस पे या किसी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना के कैसे भी आप आगे सेंड कर सकते हो। देन उसके बाद इसमें सबसे पहले आपको फादर नेम, अपना नाम, देन फादर नेम, मदर नेम, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी यहाँ पे आपकी। जैसे मान लो मैं आज की डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, इसके नीचे कॉन्टेक्ट नंबर आ जाएगा, ईमेल आईडी आ जाएगी, देन एड्रेस आ जाएगा और 450 अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको रोजर पे पे क्लिक करना है। इसके बाद आप कार्ड से मास्टर वीजा रुपए एंड कोई भी कार्ड है उससे पेमेंट कर सकते हो, नेट बैंकिंग से कर सकते हो, वॉलेट से कर सकते हो, यूपीआई से कर सकते हो। अगर आप जैसे पे लेटर यूजिंग आईसीआईसी बैंक पे लेटर से भी आप कर सकते हो। आपको इसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका जो स्टूडेंट आपका अंडर रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करेगा, उसकी पेमेंट होने के बाद आपको आपको दिखाते हैं एक मिनट। डायरेक्ट आपको यहाँ पे टोटल स्टूडेंट में उसका शो हो जाएगा नाम, यहाँ पे आपको नाम शो हो जाएगा उसका, ठीक है। और देन यहाँ पे आपको क्या कहते हैं, देन आपको ना यहाँ पे ये सारा कुछ हो जाएगा। देन अगर उसकी पेमेंट आई होगी तो आपको यहाँ पे पेमेंट टोटल पेमेंट में भी टोटल इनकम शो हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो एंड मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो। थैंक यू सर।